दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोनिक्स ओएस या फिर एब्स्ट्रागो ओएस में जितना भी की मैपिंग से रिलेटेड या फिर एम स्टक से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है वो सभी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे हम लोग फायर करते हैं और ड्रैग करने का कोशिश करते हैं, हम लोग का एम एकदम से स्टक हो जाता है, ऐसे हम लोग खिसका नहीं सकते हैं, ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा, अगर जंप करते हुए हम लोग इधर उधर मूव करना चाहते हैं, मतलब रोटेट करना चाहते हैं चारों तरफ को, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। फोनिक्स ओएस में अधिकतर ये देखने के लिए मिलता है, ये की मैपिंग का के कारण से होता है, तो उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और जैसे आप गन चेंज कर रहे हैं, गन चेंज करते ही अगर आप कैमरा व्यू को घुमाने का कोशिश करेंगे तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसमें एम स्टक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इस तरीके से स्टक हो जाता है, मैं माउस को इधर उधर घुमा भी रहा हूँ फिर भी मेरा एम वहीं पर चिपका हुआ है, यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा है। ये आपका 100% सॉल्व हो जाएगा, और ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और गाइज, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना कस्टमाइजेशन ओपन करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके में क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर आप मेरा कस्टमाइजेशन और मेरा की मैपिंग देख पा रहे होंगे, और इसमें अभी भी एम स्टक का प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि फ्री फायर हम लोग का मोबाइल का गेम है, और मोबाइल में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अपने कैमरा व्यू को खिसकाने के लिए फायर करते हुए खिसकाना है, फायर बटन को प्रेस करके इधर उधर हम लोग खिसका सकते हैं, फायर बटन को क्लिक करके हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, मतलब फायर बटन के साथ उसका बेक का जो है वो भी टच होता है, ठीक है। और हम लोग का फोनिक्स ओएस क्या करता है, फोनिक्स ओएस कैमरा को घुमाने के लिए इसको काम में लेता है, यहाँ पर ये टच रहता है, माउस को हम लोग खिसकाते हैं तो ये यहाँ पर टच करता है मतलब टच स्क्रीन को, और ये कैमरा को खिसकाता है इधर उधर। और हम लोग का जो फायर का बटन है, फायर का बटन यहाँ पर रहता है हम लोग के फायर के जो बटन है उसमें, और इसको सिर्फ हम लोग क्लिक कर रहे हैं और खिसका रहे हैं इसके जरिए से, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग फ्री फायर टच स्क्रीन मोबाइल का गेम है, तो इसमें बटन के पीछे का जो कैमरा व्यू है वो भी टच होता है, तभी तो हम लोग फायर बटन को क्लिक करके हम लोग ड्रैग कर सकते हैं मोबाइल पे और इधर उधर कैमरा को खिसका सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम लोग फायर कर रहे हैं तो बैक भी प्रेस हो रहा है, और यहाँ पर जो ये फायर का बटन है वो भी प्रेस हो रहा है, और कैमरा व्यू भी प्रेस हो रहा है, और यहाँ पर ये भी प्रेस हो रहा है, ठीक है। मोबाइल को इधर उधर माउस को इधर उधर खिसका रहे हैं तो कैमरा व्यू तो खिसक रहा है, लेकिन फायर करते समय अगर खिसका रहे हैं तो कभी कभी फायर बटन के बेक भी प्रेस हो जाता है, इसके बेक प्रेस हो जाता है जिसके कारण से एम स्टक हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, अपना फायर का जो बटन है उसको लेफ्ट साइड पे लेकर के आना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग राइट साइड में इसको रखेंगे, अपना कैमरा व्यू राइट साइड में रखेंगे, यहाँ से सेंटर से राइट का कैमरा रहता है और लेफ्ट का मूवमेंट रहता है, तो फायर बटन को लेफ्ट में लेकर के आ जाना है। तो जो मेरा फायर का जो की मैपिंग है उसको मैं लेफ्ट में लेकर के आ गया हूँ, यहाँ पर मेरा लेफ्ट फायर बटन है तो यहाँ पर मैं रख दिया लेफ्ट फायर बटन को, और उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको आप मतलब ऑपोसिटी को जीरो कर सकते हैं और कैमरा व्यू यहीं पर रहने दीजिए। उसके बाद आपका एम स्टक का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा अगर लेफ्ट में रखते हैं फायर बटन को तो। और इसके बाद भी आप जंप करते हैं तो जंप करने के बाद कैमरा को घुमाएंगे तब भी ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि फ्री फायर में जंप के बटन के पीछे भी कैमरा काम करता है। हम लोग स्क्रीन टच मोबाइल में जंप को प्रेस करके अपने कैमरा को घुमा सकते हैं, तो इसमें वही प्रॉब्लम आता है, जंप को प्रेस करते ही हम लोग कैमरा को घुमाने का कोशिश करते हैं तो उसमें भी स्टक होता है। तो ऐसा जितना भी है वो सभी को आपको लेफ्ट साइड में रखना है। तो जैसे कि स्पेस बटन को प्रेस करके हम लोग कैमरा व्यू को खिसकाने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो ये है तो हम लोग के फ्री फायर में स्पेस के पीछे भी टच काम करता है, तो स्पेस को जैसे ही हम लोग क्लिक किए, हम लोग का जंप बटन को क्लिक किए तो जंप के पीछे का व्यू भी क्लिक हो जाता है, जिसके कारण से स्टक हो जाता है एम, मतलब ये वाला कैमरा व्यू अच्छे से काम नहीं करता है, तो इस कारण से उसको लेफ्ट में रखना है। मतलब जितना भी हम लोग का गन बॉक्स है, गन को चेंज करते ही हम लोग माउस को खिसकाने की कोशिश करेंगे स्टक हो जाएगा, तो उसको लेफ्ट साइड रखना है। मतलब जितना भी ऐसा चीज़ है जिसके पीछे स्क्रीन काम करता है, टच काम करता है, वो सभी को आपको लेफ्ट साइड में रख लेना है। मैं यहाँ पर जंप को लेफ्ट साइड में रख लिया हूँ, और कभी कभी आलोक वगैरह हम लोग को एक्टिव स्किल यूज करना है उतने ही समय कैमरा व्यू को खिसकाना है, उसके लिए भी मैं इसको लेफ्ट साइड में रख लिया हूँ। तो जितना भी चीज़ आपको स्क्रीन के पीछे टच वाला काम रहता है वो सबको आपको लेफ्ट साइड में रखना है, और कैमरा व्यू बस को राइट साइड में रखना है। इससे आपका एम स्टक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। और यहाँ पर मैं बैक को इधर रखूँ, क्योंकि बैक खोलते समय हम लोग को मूवमेंट नहीं करना रहता है, और इमोट दिखाने के समय भी मूवमेंट नहीं करना रहता है, तो ये सभी को हम लोग राइट साइड में रख सकते हैं, और बाकी जितना भी है वो सबको आपको लेफ्ट साइड में रखना है।
तब आपके में एम स्टक का प्रॉब्लम 100% पूरा सॉल्व हो जाएगा। और बाकी जंप करते ही अपने कैमरा को खिसकाने का कोशिश करते हैं तो वो तब भी स्टक होता है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर उसको लेफ्ट साइड में रख लेंगे जंप के बटन को और गन बॉक्स को लेफ्ट साइड में रख लेंगे तो गन चेंज करते समय ही अपने कैमरा को खिसकाने का कोशिश करते हैं, वो भी स्टक आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ जो मुझे समझाना था आप सभी को समझा चुका हूँ और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर सॉल्व हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी कस्टमाइजेशन में बहुत दिनों से खेल रहा हूँ, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक भी बार स्टक का प्रॉब्लम नहीं आएगा।